हैरी पॉटर की लेखिका ने 1995 में एक स्टेटमेंट दी थी कि उसकी किताब को, उसकी राइटिंग को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। 12 लगातार पब्लिशर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2020 में हैरी पॉटर की लेखिका की एक स्टेटमेंट आएगी, 50 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी बुक्स बेची हैं और आज वो अरबपति लेखिका हैं। दोस्तों, ब्रूस ली ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को वो चीज मत दिलाएं जो आपको नहीं मिली, बल्कि आप उनको वो चीज बताएं जिससे वो आगे जिंदगी में कामयाबी हासिल करें और वो चीज खरीदने के खुद काबिल बने। दोस्तों, 1990 में अंबानी ग्रुप का प्रॉफिट जो था वो पूरे एक साल का 125 करोड़ था, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो अंबानी ग्रुप का प्रॉफिट एक दिन का 164 करोड़ रुपए के लगभग आसपास है। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिंदगी में शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, लेकिन जब इंसान मेहनत करता जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, काफ़ी बिजनेसमैन 9 चीज़ें बताते हैं कि ये 9 चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, तीसरा पैसे बचाना चाहिए, चौथा स्किल सीखना चाहिए, पांचवा कोशिश करते रहो, छठा समय की बर्बादी मत करो, सातवां काम की लिस्ट बनाओ क्या आपने क्या करना है, आठवां अच्छे दोस्तों के साथ रहो, नाइन्थ सबसे इंपॉर्टेंट अपना बिजनेस ज़रूर करो। दोस्तों, आप सबको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम से रोनाल्डो ने एक पोस्ट का 10 से 12 करोड़ रुपया चार्ज किया है, और प्रियंका चोपड़ा ने 5 से 7 करोड़, और विराट कोहली ने 3 से 5 करोड़, और आलिया भट्ट ने 1 से 2 करोड़। तो ये आप समझ सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कितनी ताकत है, जो आप उसको सही से इस्तेमाल करके आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ही से अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाएं और काम करें, बिजनेस करें और अच्छा पैसा कमाएं। दोस्तों, बिल गेट्स ने बताया है कि जितनी दुनिया 50 साल में नहीं बदली, उतनी वो दुनिया 10 साल में बदलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सबके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पैसा कमाना चाहते हैं। तो आने वाला जो समय है वो डिजिटल है, तो आप अभी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आएँ और पैसा कमाएँ और अच्छा काम करें। 7 ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। कभी खुद का पैशन नहीं पहचानते कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, वो बस सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। तीसरा, जीवन में कोई गोल नहीं बनाते। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, केवल सामान्य सोच रखते हैं। पांचवा, बिजनेस करने से डरते हैं। छठा, समय को बर्बाद करते रहते हैं। सातवां, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे हैं अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आप पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है YouTube, दूसरा है ब्लॉगिंग करके, तीसरा स्टॉक डिविडेंड से, चौथा घर रेंट पर देकर, पांचवा एफिलिएट मार्केटिंग से, छठा शेयर म्यूचुअल फंड से, सातवां अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए, अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो उस घर को अमीर करने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। दोस्तों, हमेशा अपडेट रहिए। अमेस्टर कार, नोकिया, HMT घड़ी, इन सब में गुणवत्ता की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड थे, फिर भी मार्केट से एकदम से गायब हो गए। ये क्यों? इसका एक ही कारण था, समय के साथ उन्होंने बदलाव नहीं किया। सो आप भी अगर कोई भी काम करते हैं तो समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने बिजनेस को अपडेट करते रहें, जो भी अपडेट्स बदलाव होने चाहिए वो करते रहें, तभी हम इस रेस में टिके रह सकते हैं।